क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बुंदेलखंड की सूखी धरती पर चंदन की महक बिखेरी जा सकती है? जी हाँ, कल्पनाओं से परे है, लेकिन इस स्वप्न को साकार किया है जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुढ़ार के रहने वाले युवा किसान अंकित पटेल ने। जी हाँ, अंकित पटेल की माने तो उन्होंने पहले चंदन की खेती के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली और कानपुर जाकर इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया। अंकित पटेल के एक एकड़ के खेत में 400 से अधिक चंदन के पेड़ लगे हैं जो लाखों रुपए की कीमत के हैं। चंदन के पेड़ों के साथ अन्य औषधीय फलदार पेड़ लगाए हैं जो कि जनपद जालौन के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। 80,000 रुपए की लागत आई है। करीब 10 से 15 साल बाद इनकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। साथ ही उन्होंने महोगनी के करीब 100 पेड़ लगाए हैं जो विश्व की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी में तो काम आएगा, साथ ही इसमें 200 साल तक घुन नहीं लगता। उन्होंने अपने खेत में चंदन, महोगनी, कैजू, रेना, मीठी नीम सहित कई अन्य औषधि गुणों के पौधे लगाए हैं। क्या नाम भैया आपका? हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल वैसे नाम है और गांव में लोग अंकित के नाम से जानते हैं। अच्छा अंकित जी, हमें आप एक बात बताइए कि आपने बुंदेलखंड की इस धरती पर जहां सूखे की धरती है, हाँ, अकल्पनीय होता कि चंदन के पेड़ की खेती करना, हाँ, तो आपने चंदन के पेड़ की खेती कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया और कहां से आपने ये सब व्यवस्थाएं की, बताएं जरा। सर जी, सबसे पहले हमको मतलब जो जॉब थी मतलब पिताजी ने करने नहीं दी, और उसके बाद घर में अकेले थे माता पिता और बाबा भी अकेले थे। उसके बाद पिताजी बोले घर पे रहो चाहे जहाँ पढ़ो और घर की खेती करो। तो हमने ये सोचा कहीं ना कहीं रुपए कमाने से सिस्टम हमारा प्रकृति सुंदर अच्छा हो जाए, मतलब गांव में लोग जाने कि क्या होता है, किसकी खेती करें। अपने यहाँ तो यही होता है कि मटर तो मटर ही मटर सबने बोली। आज के 5 साल पहले मूँगफली लाए थे तो बराबर मूँगफली हो रही। कोई हटके खेती नहीं करना चाहता। भीड़ में चलोगे तो गिरोगे। कुछ अलग करना, आज हम अलग करेंगे तो कल दूसरा भी लगाएगा। लोग बोलते थे कि चंदन किसी को बताना नहीं, चोरी हो जाएगा। अब हमने ये किया, हमने सारे लोगों को बता दिया, हमने किसी को नहीं छुपाया, क्योंकि आज हम लगाएं कल वो भी लगाएंगे। तो चंदन के पेड़ आप कहाँ से लाए थे, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप इसकी खेती करें, या मतलब आप चंदन की खेती? हमें नितिन पटेल थे, वो चंदन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गुजरात के जी। उन्होंने हमको दी है कि चंदन भी लगाओ, और बुंदेलखंड की भूमि में सबसे अच्छा चंदन होगा, उसका तेल है वो बहुत अच्छा पाया जाएगा। तो आपने सबसे पहले पौध कहाँ से लाए थे, कितनी लागत आई है एक उसमें एकड़ में, और कुल कितने पेड़ आपने लगाए हैं? हमने एक एकड़ में पौध जो मिली है वो हमें कानपुर से, वो एग्रोफास्ट नाम से है, उससे ली है, एग्रीकल्चर एग्रोफास्ट, वो CSA के पास है कानपुर में। और जो पौध आई थी वो एक एकड़ में हमारे 1200 टोटल पेड़ लगे, जिसमें 300 पेड़ सफ़ेद चंदन के हैं, 100 पेड़ लाल चंदन के हैं, और 100 देसी नीम है, 300 मीठी नीम है, और वो हमने चंदन के अलावा 50 पेड़ लगभग नींबू के लगाए हैं। अच्छा, तो एक एकड़ में आपकी कुल लागत कितनी आई है? एक एकड़ में हमारी लागत मात्र 80,000 रुपए आई है। अच्छा, आपको क्या अनुमान है कि जब ये चंदन के पेड़ कितने साल में बड़े होंगे और कितने रुपए मूल्य के हो जाएंगे? तो सर जी, इसकी लागत, सर जी मतलब अब तो एक बार लागत लगी, अब टोटल जैविक हो रही है जी। अब जैविक की तरह इस एकदम अग्रसर हो रहे हैं। कुछ साल में सर जी उसका लाइसेंस भी लेंगे जैविक का। अगर 3 साल हम वो खेती करते हैं तो उसका लाइसेंस मिल जाएगा। जो मिट्टी है वो अच्छी जीवित हो जाएगी। लोग फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं सर जी, इसकी कोई सीमा नहीं है जी। तो इसमें टोटल आप जैविक खेती कर रहे हैं? हाँ, जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो लागत लगभग एक एकड़ में आपकी 80,000 रुपये आई है? हाँ, जो पौध की रोपड़ की थी वो मात्र 80,000 रुपये की आई है। और इसमें सर जी, अगर हमारा कोई पौधा सूखता है तो वो दोबारा लगाएंगे, 3 साल में वो 12 फिट का करके हमको देंगे। अच्छा, तो 3 साल में लगभग कितनी आय हो जाएगी आपको? हमें इससे तो जो साइड में भूमि पड़ी है, जो बीच में रो है, तो उसमें लगभग एक एकड़ में हमारा 12 क्विंटल GS10 मटर हुआ है जी। और वो मेड़ पे लगे हैं, वो एक साइड लगे हैं। यानी कि चंदन के पेड़ जो आपने लगाए हैं, ये कुल कितने साल में बड़े होंगे और कितना आपको मुनाफा देंगे? चंदन के पेड़ हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं वो 10 से 12 साल बोलते हैं, कुछ 12 से 15 बोलते हैं जी। हमने तो 15 साल से या 20 साल के एवज में माना है जी। अब ये है, एक पेड़ की कीमत आज 5 लाख रुपए है जी, और जो कंडीशन 2017 में 2.5 लाख थी जी, वो इस समय डबल हो गई है जी। जितनी महंगाई दर बढ़ेगी उतनी चंदन की डिमांड ज्यादा होगी, जितना कॉस्मेटिक सामान बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा।
तो आपको क्या लगता है कि जब चंदन के पेड़ 15 से 20 साल में जब आपके खड़े हो जाएंगे, लगभग 1200 पेड़ आप बता रहे हैं, 1200 पेड़ आप लगा रहे हैं? चंदन के पेड़ लगभग 300 हैं सफेद चंदन के, 100 पेड़ हैं लाल चंदन के, मतलब 400 पेड़ आपने जो चंदन के लगाए हैं, तो इनका अनुमानित मूल्य उस समय कितना हो जाएगा? अनुमानित मूल्य उस समय लगभग 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अच्छा, आप एक बुंदेलखंड की सूखी धरती में आपने एक नई खोज जो है अपनाई है, उसके लिए कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को सजी, जो एक हमारी टीम है वो पीपल के, बरगद के, नदी किनारे जो बीज नीम के मिल जाते हैं तो वो लगाते हैं, तो इसलिए हमने सबको मतलब ये किया, संदेश दिया कि सब लोग लगाएं पेड़। अब सबसे कठिनाई की ये बात है कि लोग मतलब पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, परंतु उनकी देख रेख नहीं करते जी। देख रेख करनी चाहिए, और अगर एक पेड़ लगाए तो उसकी फोटो एक साल में जरूर अवश्य डालें कि हमने एक पेड़ लगाया था, ये सही है जी। ये नहीं है कि हमने 100 पेड़ लगा दिए और उनकी फोटो डाल दी और कोई लेना देना नहीं। बाबा क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। दीवान सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के हैं मैं, पर सुलार साल। अच्छा, आपके गांव में एक लड़के ने चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो क्या वाकई में सच है? सच है। कितने पेड़ लगे होंगे? खेती करें मतलब तो 2-4-5 बीघा में हुए। अच्छा अच्छा, आप भी किसान हैं, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस गांव में कोई चंदन जैसे खेती कर पाएगा? हमने सोचा ना कि हम जानते कि चंदन लेना खेती में, वो जाने कहाँ से माने, लिया उसकी मान लगा दें, पेड़ ही सब बरकरार है। तो कहीं ना कहीं एक नई उपलब्धि भी है और लोगों के लिए संदेश भी है। हाँ, लोग जाते हैं टहलन ना जी, तो बाकी खुशबू भी बढ़िया, उन्होंने जाते दे दिया हुआ।